ट्रैम्पोलिन फैक्टर जो है जो आम आदमी को नहीं समझ में आता है, आपने बनाई फिल्म इश्क पशमीना, इतने बड़ा सपना था, सपना पूरा किया, क्या चुनौतियां हैं, क्या तकलीफें हैं, क्या मुश्किलें हैं रिलीज के बाद, ऐसा क्या आपको फेस करना पड़ रहा है जो बहुत ही दुखद है आपके लिए? देखिए, बीइंग ए डायरेक्टर मुझे अभी तक लग रहा था कि फिल्म स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, स्टोरी नरेट करना, प्रोड्यूसर तैयार करना, उसके बाद शूटिंग करना, प्री प्रोडक्शन बड़ा मुश्किल होता है, प्रोडक्शन बड़ा मुश्किल होता है, फिर पोस्ट जब पे आए तो लगा पोस्ट बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अभी जब रिलीज़ हो रही तो ऐसा लग रहा है सबसे मुश्किल काम और सबसे मतलब ख़तरनाक काम मैं बोलूँगा, क्योंकि हर दिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, वो मुश्किल काम है रिलीज़ को सस्टेन करना, अपनी फिल्म को सर्वाइव करना, ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आप यहाँ पे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए, पहले लग रहा था कि बहुत हंस लोग हैं, बड़े शांत लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन आज की तारीख में ऐसा फेस मैं कर रहा हूँ, हमारा प्रोडक्शन हाउस फेस कर रहा है, हमारी फिल्म फेस कर रही है, हमारे प्रोड्यूसर फेस कर रहे हैं कि बाप रे इतना मुश्किल होता है एक फिल्म को रिलीज़ करके उसको सर्वाइव करना, जनता तक पहुँचाना, भाई फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, हमारा फर्स्ट डे शो जो था जबकि हम बहुत बड़े फिल्म मेकर नहीं थे, सर फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की खासकर बात करें बॉलीवुड के नेपोटिज्म और कास्टिंग का और ये सब नेगेटिव फैक्टर्स पहले से ही हैं, पहले से बदनाम है, क्या कहना चाहेंगे कि मोनोपोली फैक्टर जो है, आप एक फिल्म मेकर हैं, इश्क पशमीना बनाई, सपनों को साकार किया, अब मुश्किलें हो रही हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किसे टारगेट कर रहे हैं आप? देखिए, जब हमने फिल्म लाइन में कदम रखा था तो लगता था कि बहुत बढ़िया दुनिया है, बड़ी रंगीन दुनिया है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े संस्कारी लोग हैं, और तब लगता था कि फिल्म को बनाना बड़ा मुश्किल काम है, किसी प्रोड्यूसर को तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है, फिर जब प्रोड्यूसर साहब तैयार हो गए तो लगा फिल्म मेकिंग तक जाना बड़ा मुश्किल काम है, फिल्म हमने बनाई तो लगा नहीं प्रोडक्शन बड़ा मुश्किल काम है, उसके बाद जब पोस्ट पे गए तो लगा वो बहुत मुश्किल काम है, अब रिलीज़ पर चले गए हैं तो लग रहा है सबसे मुश्किल काम, सबसे क्रूशियल काम और सबसे चुनौती भरा अगर कोई काम है तो फिल्म को रिलीज करके उसको सस्टेन कराना है, लोगों तक पहुंचाना है, एक छोटे फिल्म मेकर के लिए, एक नए फिल्म मेकर के लिए ये किसी युद्ध से कम नहीं है, और ऐसा युद्ध जो अपने आसपास पड़ोसियों से घिरा हुआ व्यक्ति है, ऐसा लगता है जैसे अगर आप जीभ को समझे ना, दांतों के बीच में जीभ जिस तरह रहती है, ऐसे ही इंडस्ट्री में नया आदमी, नया प्रोड्यूसर, नया फिल्म मेकर की स्थिति लोगों ने कर रखी है, जो बिजनेस टाइकून हैं, जो बड़े फिल्म मेकर हैं, जिनको लगता है कि उनकी ताबूतें तो हिल नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं अभी हम जिंदा हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री उनकी बपौती है, उनको लगता है कि वो जैसा चाहेंगे, वो जैसा दिखाना चाहेंगे, वो जैसा सोचेंगे वैसे ही दर्शक देखे, इसके अलावा कोई और फिल्म मेकर कुछ नई बात ना करे, कुछ अलग बात ना करे, कुछ ऐसी बात ना करे जो लोगों के दिलों तक जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। सर आपसे जानना चाहूंगा कि भाभी को आपने डेब्यू का मौका दिया, इन्फ्लुएंसर को ज्यादा मौका मिलता नहीं है, बहुत ने काम किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट की क्या ऐसी बात है, आपने रिलीज किया, व्हाट इज द थिंग व्हिच इज मोर चैलेंजिंग और क्या डिफिकल्टीज है, क्या परेशानियां हो रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो ये हो रही है कि हमने एक नए कलाकार को साथ लेकर के हमने इस मूवी को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद में बड़ी मेहनत के साथ पूरी मूवी बनाने के बाद मैंने इसको रिलीज किया। हमें यह नहीं मालूम था स्टार्टिंग से कि क्या एक मूवी बनाने में इतनी परेशानियां होती है, इतने लोगों का सामना करना पड़ता है या इतनी राजनीति होती है इसमें। हम किसी भी तरीके से जब इसको रिलीज किए तो उस दिन तक मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जब और भी अगल बगल के बातें होती हैं तो आदमी उस पर केयरिंग करता है कि हमारा काम कैसा चल रहा है क्या नहीं। हमने अपनी स्पेशल टीम बैठाई कि हमारी मूवी कहाँ पे चल रही है, बुक माई शो पे, पेटीएम पे, सब जगह वॉचिंग रखी कि हमारी टिकटें कितनी बिक्री हो रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, कितनी ऑडियंस आ रहे हैं। तो जब हमने जब इस पर सर्चिंग मारी तो मुझे एक बहुत बड़ा चीज़ निकल के मेरे सामने आया कि जो इसी के लिए हम आपके सामने अपनी बात को रखना चाहते हैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखा सकता हूँ कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है इस फिल्म इंडस्ट्रीज में। किसको टारगेट कर रहे हैं अभी? आज का जमाना डिजिटल है, बुक माई शो के थ्रू होता है अभी बुकिंग, प्रोडक्शन हाउस, एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, किसको टारगेट मेनली करना चाह रहे हैं आप इस चीज को लेकर? देखिए, अगर बात आप टारगेट का करेंगे तो प्रूफ सामने है, पहले आप प्रूफ लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं टारगेट क्या हुई। टारगेट तो आप खुद बताएंगे टारगेट क्या होता है। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाना चाहूंगा, देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये इश्क पश्मीना,
24 तारीख का ये बुक माई शो के अंदर का ऑडी का ये पिक दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको? अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, देखिए आपको टोटल हाउसफुल दिख रहा होगा। और इसके बावजूद इस जब ये हाउसफुल हुआ तो ये चार टिकटें बची इसमें, जब ये चार टिकटें बची तो मैंने कहा चार टिकट क्यों बचे, एक काम करते कोई जानने वाला अगर मेरा गोरखपुर में है तो उसको चार टिकटें हम बुक करके देते जिससे कि हमारी एकदम हाउसफुल हो जाए। वो चार टिकटें जब हमने बुक कराई तो उसके ये प्रूफ मेरे पास में है, जो चार टिकटें ऑडी 3 दिख रहा है आपको, बाकायदा क्लियर दिख रहा होगा, बुकिंग आईडी के साथ में दिख रहा होगा ये टिकट बुक हुई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ऑडियंस हमारे वहाँ पहुँच रहे हैं तो ऑडियंस को ये कहा जा रहा है कि सर टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप इस मूवी को ना देखिए, आप इसके जगह पर ब्रह्मास्त्र देखिए। मेरा ये कहना है कि ब्रह्मास्त्र अगर चल रही है मूवी और उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ओनली फॉर इस पश्मीना में क्यों है? क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो हाउसफुल है। फिर जब हमारे ऑडियंस ने बोला मैं इस पश्मीना देखना है तो उन्होंने कहा सर आपके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो आप टिकट कैंसिल कराइए या तो आप ब्रह्मास्त्र मूवी देखिए। तो इस तरीके की बातों से ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी हाउसफुल जा रहा है, इसको किस तरीके से इसे दबाया जाए और ये होपलेस हों और ये इंडस्ट्रीज को छोड़ के भागे। मेरी फॉल्ट क्या, खाली आप ये बताइए क्या क्या हमने फर्स्ट मूवी बनाई, हम लोग छोटे हम लोग गरीब हैं। इसलिए एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात, कि जैसे कि बुक माई शो से टिकट्स बुक होते हैं, हम पैसा बुक माई शो को देते हैं और वो टिकट रिजर्व करते हैं। अगर कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर कोई ऐसी बात है, तो बुक माई शो को सबको मैसेज करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम से आपकी ये शो कैंसिल होगा, ऐसा कोई इनके पास भी सिस्टम नहीं है। अब एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि जिस टाइम पे हम ने ये सुबेरे वहाँ के हॉल के मैनेजर से बात किए गोरखपुर में कि आपने मेरी इस पश्मीना मूवी क्यों नहीं चलाई, तो उसने कहा ऐसा है कि आपको जिससे बात करनी हो आप बात कर लीजिए, मैं आपकी मूवी नहीं चला सकता। हमने कहा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आप लिख करके मुझको लेटर हेड पे दीजिए। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में ऑलरेडी रखी हुई है, उसने लेटर हेड पे लिखना नहीं पसंद किया। बाद में उसने ये चीज किया कि मैं आपको एक बहुत बड़ी प्रूफ आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूँ, उस चीज को आप लोग फॉलो करिए। जैसे मैंने आपको दिखाया कि 24 तारीख को हमारी हाउसफुल है, इसी तरीके से मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि ये देखिए इश्क पश्मीना मूवी 25 को भी हाउसफुल है। लेकिन उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज करके इन्होंने बुक माई शो से मेरा शो ही हटा दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रैकेट चल रहा है, सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, जो बड़े दिग्गज बैनर वाले हैं, हम नाम तो नहीं लेंगे लेकिन आप जनता समझ रहे होंगे कि इनका ये कहना है कि कैसे भी करके हम इस मूवी को नहीं चलने देंगे। तो इसका मतलब क्या है हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम किसके पास जाएं, किसके पास गुहार लगाएं, जो कि सारे प्रूफ मेरे पास में ऑलरेडीज हैं, आपको मैंने दिखाया भी कि ये रहा मेरी टिकट्स बुक होते हैं। और इसके बाद देखिए आपके सामने सबसे बड़ा प्रूफ मैं दिखाने जा रहा हूं कि जो शो हमारे 25 के 25 तारीख का जो शो कैंसिल हो रहा है उसका उन्होंने बाकायदा मेरे को मेल अब कर रहे हैं कि सर आपकी मूवी नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो बहसबाजी हो चुकी है हम लोगों से उनकी कि अगर आप नहीं दिखाओगे हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इसके लिए इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा अगर कोई है तो जो यहाँ के मोनोपोलियो चला रहे हैं बड़े लोग। इसीलिए बॉलीवुड की हर जगह से गंदगी हो रही है क्योंकि किसी को टिकने नहीं देते, ये सच्चाई में जीने नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं जो छोटा आदमी आए वो मर जाए, वो चला जाए बाहर। आप बताइए हमने कहाँ कहाँ से कर्जा लिया होगा, हमने किससे किससे फाइनेंस लिए होंगे, हमने कैसे इस मूवी को बनाए होंगे, और बनाने के बाद में आज स्थिति यह है कि हमारे सारे पैसे डूब रहे हैं और हम कहीं कहीं वही हाल होगा जो सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था कि वो ये इसी तरीके से मजबूर करते कि आदमी सुसाइड करे, आदमी मर जाए और यहाँ से खत्म होकर चला जाए। ये इंडस्ट्रीज में हो रहा है, यही मैं सामना सबको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए कि अब ये मेल कर रहे हैं, ये टिकट्स है और ये हमारे पास में सारे प्रूफ हैं, इसके बावजूद भी इनके इनके दिमाग खराब हो रहे, कह रहे जो करते मैंने आप कर लो, अब मैं क्या करूँ। नहीं तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है इश्क पश्मीना की बात करूँ तो एक ही प्रोजेक्ट है जो बड़ा प्रोजेक्ट है जी, प्रोडक्शन का करण जौहर का जी। आपको क्या लग रहा है करण जौहर ही डोमिनेट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल का नाम अगर लिया जाए उनके? तो देखिए मैं अगर अगर बात करें क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग तक मेरे पास में है,
मेरे पास ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग तक मेरे पास में है कि अगर बात कर रहा हूँ जौहर जी की करें, मैं पार्टिकुलर ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा खाली ये कहना है कि अगर ब्रह्मास्त्र का नाम आया तो ब्रह्मास्त्र जिसने रिलीज करी, जो मालिक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका हाथ है। तो ऐसे कितने करण जौहर होंगे, कितने सलमान खान होंगे, कितने शाहरुख खान होंगे कि उन लोगों का मोनोपोलियो चलता है, कि कितने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर की, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी साथ नहीं देता है, वो पहले फीस मांगता है, वो 50 लाख रुपया पहले ले लेता है, उसके बाद में हमारी मूवी रिलीज करता है और बाद में कहता है तुम जाओ गड्ढे में। और सबसे बड़ी बात यही देखिए कि 52 शो उनके चलाते हैं ब्रह्मास्त्र के, और हम लोगों को शो नहीं मिलता, हम लोगों को 9 बजे मॉर्निंग की शो देते हैं, 9 बजे कौन मूवी देखने जाता है, और उन लोगों को अच्छे अच्छे शो दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे हॉल दिए जाते हैं। इतनी इतनी बड़ी स्कैम लोग चलाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर नया आदमी आ जाए तो उसको ऐसा हेरेसमेंट करेंगे, ऐसा खत्म करेंगे कि दोबारा इंडस्ट्री में वो खड़ा ना हो पाए। मैं कहता हूँ कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। हम यहाँ की सरकार से गुहार लगाते हैं, हम मोदी जी से स्पेशल गुहार लगाते हैं, अगर मोदी जी अगर आप इस चीज को देख सकते हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे आप कड़ा एक्शन लीजिए, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि ये विषय तो ये तो समस्या आपकी है, अब समाधान क्या, समाधान भी होता है समस्या का, क्या स्टेप उठाने, लीगल स्टेप उठाने, एसोसिएशन में जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कोई सुनवाई तो होगी, क्योंकि अगर अगर इंडस्ट्री की बात करें तो किसी की भगवती है नहीं। देखिए इंडस्ट्री चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसी कोई इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है जिसका कोई अपना कानून हो, जिसका अपना कोई वो हो, तो इसलिए हमारे पास एसोसिएशन के अलावा जाने के अलावा कोई चांस नहीं है। हम लीगल नोटिस दे सकते हैं अपने एग्जीबिटर को कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे मेल के थ्रू या उसको एक वो दे सकते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप हमारे सपोर्ट में रहो क्योंकि आपने फीस ली है हमारा सपोर्ट करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे हम लड़ाई लड़े कि अपनी फिल्म को रिलीज करें, अपनी फिल्म को लोगों तक पहुंचाने जाएं कि ये फाइट करें। अब ऐसे में जो इतना बड़ा फिल्म मेकर है जिसका नाम आया, अगर मैनेजर किसी का नाम ले रहा है तो इसका मतलब वही काम कर रहा होगा, हम कोई हम अपने मन से तो नाम ले नहीं रहे। तो इसके पीछे ये है मोनोपोली, एक तो स्कैम दिख रहा है मुझे, मुझे दो चीज़ें इसमें दिख रही है, एक तो ये दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि ये फिल्म सक्सेस हो रही है और ये फिल्म हमें कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि बुक माई शो में अगर एक ही पैटर्न पर टिकट बुक हो रहे हैं हर जगह, 3-4 जगहों पे हमने देखा, कोलकाता में हमने देखा, पटना में हमने देखा, हमने असम में देखा, त्रिपुरा में देखा, अगरतला में, अगर एक ही पैटर्न पर टिकट बुक हो रहे हैं इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा गेम चल रहा है जो शायद छोटा फिल्म मेकर नहीं समझ पा रहा है। और उसके बाद क्योंकि अगर वो हाउसफुल दिखाएगा तो और कोई आदमी उसको बुक नहीं कर पाएगा, जब नहीं बुक कर पाएगा तो वो टिकट शो में जा नहीं पाएगा, और शो से जस्ट पहले उसको कैंसिल मार देना ये दिखाता है कि भाई ये मिनिमम इन लोगों की पॉलिसी होती है कि भाई इतने दर्शक हमें चाहिए मल्टीप्लेक्स को तभी वो शो ऑन करेंगे। अब जब आपने क्या किया, आपने खुद उसको बुक किया था, बुक मतलब ब्लॉक किया था, उसके बाद आपने उसको शो से पहले कैंसिल कर दिया तो वहाँ दर्शक कहाँ दिखेंगे, क्योंकि हम तो बुक कर नहीं पाए। एग्जांपल डायरेक्ट बुक माय शो पे जाकर के दिखाना चाहता हूं, इसको आप देखिए समझिए कि क्या ये स्कैम है, लोग कैसे चलाते हैं बड़े लोग मिल करके 3-4 दिनों एक सेकंड के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बड़े लोग कैसे स्कैम चलाते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने लाइव जा रहा हूँ, ये देखिए बुक माई शो क्लिक किया मैंने, बुक माई शो से जब मैं क्लिक करता हूँ सर तो ये देखिएगा बैक आया मैं आपको, मैं 25 से दिखाऊंगा इस चीज को, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए क्या है। ये शो 1 बजे का है दोपहर का, 25 को मैं करता हूं तो अब आप देखिए सेम स्क्रीन दिखेगा आपको एकदम एक्यूरेट, जैसे ये देखिए मैं फिर थोड़ा सा जूम करता हूं, ये देखिए सेम आप देखिए एक तरीके का दिखेगा। अब मैं फिर बैक जाता हूं, मैं 26 को जाता हूं, फिर 1 बजे वाला सेम शो सर देखिए, फिर सेम 26 वाला भी जो है सेम स्क्रीन दिख रहा है, फिर 26 के बाद मैं 27 को जाता हूं वही सेम 1 बजे का सीन आप देखिए सर, उसमें भी इसी तरीके से जाता है सेम स्क्रीन सेम सीट। फिर आप 28 को जाइए, मैं आपको 29 तारीख 29 तक दिखाऊंगा सर, ये देखिए इसके बाद सेम स्क्रीन जरा से भी कोई चेंजिंग नहीं। फिर इसके बाद में आप आए 29 तक में देखिए आप पूरा सेम स्क्रीन, इसका मतलब ये जाहिर होता है कि इस टिकट को ये लोग क्या करते हैं कि पहले से एग्जीबिटर से एंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिल करके एंड हॉल वालों से मिल करके एंड बुक माई शो, सबसे बड़ा जो सपोर्टर इन लोगों का बुक माई शो से टिकट बुक करके ये लोग क्या करते हैं सर कि इसको होल्ड करते हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि हमारी जनता जब इसके अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक उसके शो के 10-15 मिनट पहले
इसको कैंसिल करते हैं, 50% पैसा ये दे देते हैं हॉल वालों को, या इनकी कोई इनकी आपस में सेटिंग होगी कि मैं इतने परसेंट तुमको दूंगा जो तुम्हें इनकम मिलता हो, लेकिन सामने वाले को मूवी को फ्लॉप करने का रास्ता ये लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये जो मैं आप लोग को खुली अपने आपको दिखाया, और जो लोग अगर इस चीज को देखें, खुद भी जाइए बुक माई शो में जाइए और कैलकाटा में कैलकाटा सर्च करिए, कैलकाटा के ये मैंने आपको दिखाया है, ये सीन चल रहा है, ऐसे लोग कर रहे हैं। नहीं ये बताइए कि अभी तो ये जो इशू है, क्या लीगल स्टेप उठाने वाले हैं, लीगली कोर्ट में कुछ? मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मैं इस चीज को यहाँ से लेकर के जनता के दरबार से लेकर के सरकार के दरबार से लेकर के और निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा, इस मैटर को मैं शांत नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे हर्ट हुआ है। आज मैं मर रहा हूं, ऐसे पता नहीं कितने लोग यहां पे आते हैं इंडस्ट्रीज में, बेचारे घर द्वार जमीन बेच करके आते हैं, पैसे लगाते हैं और उसको इन लोग टिकने नहीं देते, इसलिए क्योंकि ये अपने आगे किसी को हाँकते नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जो अगर सरकार हमारी सपोर्ट कर पाए वो करे, बाकी और हमारे माई बाप कोई है नहीं। सर आवाज उठाने की एक्चुअल में क्या हुआ, 2 घंटा पहले मैं इतना डिप्रेशन में डिप्रेस था कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं क्या करूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा, जिन जिन लोगों से मैं कर्जा ला करके मैंने मूवी को बनाया है हम उनको क्या जवाब देंगे, जिनको मैंने बोला था कि सर ऐसा कि मैं आपको ब्याज तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन आपका मूलधन मैं वापस करूंगा, लेकिन आज की स्थिति ये है हमने मूवी बना तो दी है लेकिन इन लोगों ने ऐसा स्कैम किया, ऐसा गेम खेला है कि आज हमारी मूवी की कलेक्शन 50,000 की नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? रीजन ये है कि ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं और ऐसे ही छोटे बेचारे जैसे आते हैं अपना अपने काम को लेकर के कि हाँ कुछ हम भी कर सके, उसको इसी तरीके से लोग खत्म करते हैं इस इंडस्ट्रीज में। देखिए ये फिल्म मैं बार बार कहता हूँ, बॉलीवुड में अच्छी कहानियों की, फ्रेश कहानियों की बहुत बड़ी कमी आ गई है। जब भी कोई किसी ने नई कहानी बनाई है, फ्रेश कहानी बनाई है, अच्छा ट्रीट किया है तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है और फिल्मों ने अच्छा काम किया है। बहुत सारी फिल्में पिछले कई सालों में बनी हैं जिनके पास नया कंटेंट आया, हमारी फिल्में भी लोगों को नया कंटेंट मिला है। लव स्टोरी है लेकिन लव स्टोरी का एंगल अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसको जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया है वो लोगों को पसंद आ रहा है, उसकी सिंपलसिटी पसंद आ रही है, उसमें कोई फैंटेसी नहीं है, उसमें कोई बीएफएक्स आज पिछले मैं 2 साल से देख रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में 90% फिल्में सिर्फ और सिर्फ बीएफएक्स के दम पे अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहती, जबकि ये जो चीज़ें होती ना भाई ये इमोशन का मामला है और इमोशन बीएफएक्स से नहीं आता है, इमोशन आँखों से आता है, चेहरे से आता है, बॉडी से आता है, वॉइस मॉड्यूलेशन से आता है, जो बीएफएक्स नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वो सिंपलसिटी, स्टोरी का सादगीपन, करेक्टरों का आम आदमी जैसा दिखना, उनके अंदर कुछ फ्रेशनेस दिखना, ऑनेस्टी दिखनी, ये लोगों को कहीं ना कहीं छू रही है, उनको दिलों को हर्ट कर रही है, टच कर रही है। और सबसे कमाल ये है हमारे गाने का म्यूज़िक बड़ा मेलोडियस है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तीसरी जो चीज़ है फिल्म की वो है भाविन की अपनी फैन फॉलोइंग, और चौथी चीज़ है हम लोगों का एक सिंपल तरीके से फिल्म को प्रमोट करना। हम किसी भी तरह से ये नहीं चाहते कि हम इंडस्ट्री में कदम जमाने आए ना कि फाइट करने आए हैं, इसलिए हमारा जो सपोर्टर है वो हमारा दर्शक है, हमारा जो माई बाप है वो हमारा दर्शक है। हम अगर सल्यूट करते हैं तो अपने दर्शक को करते हैं, अगर हमारी चीज़ अच्छी नहीं लगती आप रिजेक्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर लेकिन अगर पसंद आ रही तभी तो हाउसफुल जा रहा है। अगर पहले दिन जब 75 रुपये का टिकट है सभी फिल्मों का, उस दिन हम लगभग 10 जगहों पर हाउसफुल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नया है, हमारे लीड आर्टिस्ट नए हैं, हमारा प्रोडक्शन हाउस नया है, हम नए हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब नए हैं, हमारा बैनर नया है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर नए हैं, हमारे 2-2, 3-3 सिंगर नए हैं, हमारे पास मेगा बजट नहीं था पब्लिसिटी में खर्च करने के लिए, उसके बाद भी अगर लोगों ने हाउसफुल किया है तो इस उस जनता का, उस दर्शकों का हमारे प्रति प्यार है, हमारी फिल्मों का जो ट्रेलर देखा, गाने देखे, वो कहीं ना कहीं उनको छू रहे हैं, उनमें कुछ नयापन दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है यही वजह है जो इंडस्ट्री के टाइकून्स, इंडस्ट्री के जो दादा लोग हैं, इंडस्ट्री के जो मठाधीश लोग हैं, उनकी जो फिल्में हैं उनको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लगा कि यार ये 75 होने के बाद भी अगर ये डैमेज कर सकता है तो आने वाले वीक में ये हमें और डैमेज कर सकता है। तो मुझे लगता है इसके पीछे ये बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ा ब्रेन काम कर रहा है कि कैसे हम इसको डैमेज करें, कि ये नया फिल्म मेकर, ये नया प्रोड्यूसर, ये नया बैनर इसको
यहाँ से आउट करें, क्योंकि ये बेचारा एक तो फिल्म बना के फंस चुका है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगा चुका है, दूसरा वो फाइट करेगा कि अपनी फिल्म को सरवाइव कराएगा, तीसरी बात यह है जहाँ से उस बंदे ने पैसे लिए उन बंदों को रिवर्ट कैसे करेगा, रिटर्न कैसे करेगा। तो ये इमोशनल, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हरेसमेंट है एक तरह का बड़े लोगों का हमारे छोटे फिल्म मेकरों के लिए, और इसका सिर्फ और सिर्फ उत्तर दे सकती है हमारी जनता।